नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं टॉक विद पुनीत यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ नई भर्ती 2020 के बारे में। डीआरडीओ ने जारी कर दिया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस के पदों पर भर्ती का, जिसके लिए योग्यता है 10वीं और आईटीआई पास। अगर आप 10वीं और आईटीआई पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, साथ ही किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 23 जनवरी 2020 है और यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल पदों की संख्या 1817 वैकेंसी है, जो कि बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसी है डीआरडीओ के अंदर। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सारी जानकारी आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ताकि आप इसकी हर एक डिटेल को समझ सकें और भर सकें इस फॉर्म को। तो फ्रेंड, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल टॉक विद पुनीत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट्स होगी उससे रिलेटेड सिलेबस और क्या एग्ज़ाम पैटर्न होगा सारा कुछ आपको प्रोवाइड होता रहेगा। जितनी भी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट्स आएंगे सभी के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो उसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके और आप उसका लाभ उठा सके। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए आइए करते हैं इस वीडियो को शुरू। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखेंगे इसकी बेसिक डिटेल को और उसके बाद देखेंगे डीआरडीओ के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन को। सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, कुछ भी मिस नहीं करेंगे, ठीक है। सारा डिटेल आपको समझाएंगे ताकि आपको फॉर्म को भरने में इजली हो, और बाकी अगर कोई जानकारी मिस हो जाता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखिए डीआरडीओ की एमटीएस की वैकेंसी है मल्टीटास्किंग स्टाफ की। तो टॉक विद पुनीत चैनल पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी अगली अपडेट्स होगी वो सभी के नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो फ्रेंड्स, एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर देखिए जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। वहीं SC ST फिजिकल हैंडीकैप और फीमेल को यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी नहीं पेमेंट करना होगा, और जनरल ओबीसी वाले डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू और SBI चालान के थ्रू पेमेंट को जमा कर सकते हैं। बात करें अगर हम इसके डेट्स की, 23 दिसंबर 2019 से फॉर्म की शुरुआत हो चुकी है और 23 जनवरी 2020 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 23 जनवरी आने में भी टाइम है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, सारी जानकारी को समझ लीजिएगा, और उसके बाद ही आपको इसको अप्लाई करना है। फ़ी पेमेंट करने की भी लास्ट डेट 23 जनवरी 2020 ही है। एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम डेट अभी आए नहीं हैं, तो जब ये डेट आ जाएंगे तो हम आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर देंगे। तो उसके लिए टॉक विद पुनीत चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसका सिलेबस और लास्ट ईयर के पेपर्स के भी नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके और बाकी सारा डिटेल आपको मिलता रहेगा। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया जॉब है, किसी भी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पे 18 से 25 साल है, साथ ही कुछ कैंडिडेट्स के लिए एज में रिलैक्सेशन है, जिसके लिए आपको अपर एज लिमिट का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। उसके लिए आपको एज पर रूल आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखना होगा। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 1817 वैकेंसी है, 1817 वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है एमटीएस के पदों पर। अगर हम बात करें यहाँ पे वैकेंसी के डिटेल्स की, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए इसके अंदर आपका एमटीएस का पोस्ट है, और कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो जनरल के लिए 849 सीटें हैं, EWS की 188, OBC की 503, SC की 163, ST की 114 वैकेंसी है। टोटल हमारे पास 1817 वैकेंसी है यहाँ पर, जो कि MTS की वैकेंसी है। बात करें पे स्केल की, तो पे स्केल यहाँ पे देखिए 18,000 से लेकर के 56,900 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी होती है। ये डिपेंड करेगा आपके क्वालिफिकेशंस पर, और आपके जितना भी आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा उसके डिपेंड पे आपकी सैलरी एक यहाँ पे 18,000 से लेकर के 56,900 तक की आपकी यहाँ पर सैलरी होती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो फिर यहाँ पे देखिए 10th पास हाई स्कूल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, साथ ही अगर आपने ITI किया हो तो भी आप एलिजिबल ITI वाले कैंडिडेट्स भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। 10वीं पास तो भर ही सकते हैं, ITI वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड कर दूंगा और लास्ट ईयर का पेपर भी प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपको इसको इसका एग्ज़ाम क्रैक करने में आपके लिए इजीली हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब मैं इसका सिलेबस आपको अपलोड करके दूँ तो आपको उस सिलेबस का नोटिफिकेशन भी पहुँचे, और कैसा इसका एग्ज़ाम पैटर्न होगा और कैसा इसका लास्ट ईयर का क्या एग्ज़ाम आया था उसका भी मैं आपको पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। अब बात करते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये पूरा वीडियो देखना है। अभी मैं आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, सारा कुछ डिटेल में आपको समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद किस तरीके से अप्लाई करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और अप्लाई नाउ के लिंक पर क्लिक करके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, और 23 जनवरी 2020 से पहले पहले इस फॉर्म को भर लेना है। जब आप फॉर्म को भरेंगे तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे, जैसे आपका फोटोग्राफ होगा, सिग्नेचर होगा, मार्कशीट होगा, डिप्लोमा या फिर जो भी आपने ITI वगैरह किया है वो, और इसके साथ साथ अदर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट आप स्कैन करके रख लीजिएगा, ठीक है, ताकि बाद में आपको इसको अटैच करना होगा। तो ये सभी को स्कैन करके रख लीजिएगा। बात करें अगर हम मोड ऑफ सिलेक्शन की,
तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए, इसका जो मोड ऑफ सिलेक्शन होगा वो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर पे आपका एग्ज़ाम होगा, उसी के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा। कोई भी फिजिकल यहाँ पे नहीं है, एमटीएस की वैकेंसी है, तो सिर्फ एग्ज़ाम के बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था पूरा एक बेसिक डिटेल आपका डीआरडीओ का, एमटीएस की वैकेंसी का। अब मैं आपको दिखाता हूँ डीआरडीओ ने जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है उसको देखते हैं, उसमें आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, जो भी आपके मन में प्रश्न है वो सारा कुछ वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं डीआरडीओ के द्वारा जारी किया गया शॉर्ट नोटिफिकेशन को, जो कि डीआरडीओ ने भी जारी किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है डीआरडीओ के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जारी किया गया था। एमटीएस की वैकेंसी है और 1817 वैकेंसी है आपकी टोटल डीआरडीओ के अंदर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए फॉर्म की जो ओपनिंग डेट है वो आपकी 23 दिसंबर 2019 है, और फॉर्म की लास्ट डेट जो है वो 23 जनवरी 2020 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं शाम के 5 बजे तक। टीयर वन का जो एग्ज़ाम है जो सीबीटी का है उसकी डेट अभी कंफर्म नहीं है, जब ये डेट आएगी तो हम आपको इसका उस डेट को प्रोवाइड भी कर देंगे, और उससे रिलेटेड आपका जो सिलेबस है किस तरीके का आपका एग्ज़ाम होगा सीबीटी का, वो सारा सिलेबस भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं नया अपडेट डालूँ डीआरडीओ से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको इजीली प्रोवाइड हो जाए और आप उसका लाभ उठा सकें फ्रेंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अगर मैं बात करूँ सेक्शन वन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10th पास कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, और इक्वालेंट फ्रॉम अ रिकोगनाइज बोर्ड या फिर और यहाँ पे देखिए आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप पास आउट हैं तो, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए पोस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है, पोस्ट कोड यहाँ पे देखिए 1301 दिया हुआ है, और ये 1301 करके ही आपको अप्लाई करना होगा जब आप फॉर्म को भरेंगे तब। टोटल पदों की संख्या यहाँ पे देखिए 1817 वैकेंसी है, वहाँ पर अनरिजर्व के लिए आपको देखने को मिलेगी 850 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस में 188, ओबीसी में 530, एसटी की 114 और एससी की 163 वैकेंसी है, जिसमें से ईएसएम की 135 है और एमएसएफ की यहाँ पे 60 है। पीडब्ल्यूडी वालों के लिए भी यहाँ पे रिजर्व किया हुआ है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पे स्केल की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसका जो पे स्केल मिलेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 18,000 से लेकर के 56,900 रुपये तक की आपकी पे स्केल होती है, और ये आपके 7 CPC के अकॉर्डिंग आपको मिलता है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 18 से 25 साल के कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, साथ ही कुछ कैंडिडेट्स के लिए एज में रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन कर सकते हैं, वो सारे डिटेल आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट्स भी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो सेक्शन टू के अंदर यहाँ पे आप देखिए जो आपको रेमुनेशन एंड सर्विस कंडीशन मिलेगी, वो आपको जो सैलरी मिलेगा 18,000 से लेकर के 56,900 रुपये तक का पर मंथ आपको यहाँ पर सैलरी मिलता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर नेशनलिटी आपका इंडियन होना बहुत ज़रूरी है, इंडियन सिटीजन ही अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर दिया हुआ है। मेडिकल फिट होना जो बहुत ज़रूरी है, मेडिकल फिट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। नीचे में आए तो यहाँ पे देखिए रिजर्वेशन और सीट की बात करें तो यहाँ पे देखिए रिजर्वेशन SC ST OBC नॉन क्रिमिलियर EWS PWD को मिलेगा, जनरल वालों को यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, जनरल वाले ऑल इंडिया कैटेगरी में ही यहाँ पर आएंगे, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब आप फॉर्म को भरेंगे तो आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि आपको सारे डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करके रख लेने, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, वोटर आईडी कार्ड हो, सबको स्कैन करके लेना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मांगे वो आपको अटैच करके रख लेना है, ठीक है, अटैच करके रख लेना है। साथ ही अगर मैं बात करूं तो फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिए, जो आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा, ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर आप अच्छे से चूज़ करिएगा जहाँ पे भी आपको एग्ज़ाम देना होगा, और साथ ही एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे आपको 100 रुपये लगेगा, साफ साफ यहाँ पे देख सकते हैं 100 रुपीज़ का एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। मोड ऑफ पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप एग्ज़ाम सेंटर जब चूज़ करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर दिया हुआ एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ पर इसका एग्ज़ाम सेंटर होगा, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आगरा के अंदर है, अहमदाबाद के अंदर है, औरंगाबाद में है, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयम्बटूर, देहरादून, दिल्ली NCR, गोरखपुर, गुवाहाटी, ग्वालियर, जो भी आपको एग्ज़ाम देना है उसको आप चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है, और वहाँ पे जा करके आपका सेंटर होगा, वहीं पर आपका CBT का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एग्जामिनेशन सिटीज़ आप यहाँ पर चूज़ कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ओके। उसके बाद देखिए डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पर जो आपका एग्जामिनेशन डेट जब आएगा तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, कि आपका कब एग्ज़ाम होगा उस डेट को आप अपना एडमिट कार्ड आपका जब आएगा तो भी हम नोटिफिकेशन प्रोवाइड करेंगे, सारा कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर जैसे मैंने आपको बताया CBT टेस्ट के ऊपर ही आपका सिलेक्शन प्रोसीजर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको एक सिलेबस दिया हुआ है, किस तरीके का आपका सिलेबस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो तरह का आपका एग्ज़ाम होगा, एक टीयर 1 होता है, एक टीयर 2 होगा,
ठीक है फ्रेंड्स, दोनों ही के लिए 90 90 मिनट आपको मिलेंगे। सीबीटी का पहला जो टेस्ट होगा वो टीयर 1 का होगा, इसमें आपका स्क्रीनिंग होगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे वो जनरल इंटेलिजेंस से लेकर के रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिए तो 35 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन और क्वांटिटी एबिलिटी के 35 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और ये जितने क्वेश्चन हैं 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के हैं, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के हैं और 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स होंगे। टोटल आपको यहाँ पे 90 मिनट मिलेगा। वहीं टीयर 2 में आपका सीबीटी फाइनल का सिलेक्शन होता है। जनरल साइंस, जनरल मैथ और जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन आएंगे। 40 मार्क्स का आपका जनरल साइंस होगा और 40 मार्क्स का आपका जनरल मैथ होगा, 20 का आपका इंग्लिश होगा। यानी कि यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के यहाँ पर के हो जाएंगे और इसके लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। इस तरीके का आपका सिलेक्शन होगा। बाकी यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई है, किस तरीके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर लीजिएगा। बाकी अगर कोई डाउट होगा तो आप यहाँ पे भी कंटेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप, आपको आपको हेल्पलाइन का नंबर दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पर जा सके दिल्ली के अंदर, इसका यहाँ पर देखिए डायरेक्ट का ऑफिस है, यहाँ पर भी जा करके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हेल्पलाइन नंबर आपको प्रोवाइड किया हुआ है, 01-2388-2381-9217। यहाँ पे 2 नंबर आपको प्रोवाइड किया हुआ है, साथ ही यहाँ पे mts.helpdesk@datcaptum.com दिया हुआ है, या फिर DRDO की ऑफिशियल जो वेबसाइट है gov.in गवर्नमेंट वेबसाइट है, यहाँ पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको आवेदन कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको मेल करके जानकारी मिल जाएगी जो भी आपके मन में प्रॉब्लम होगा, या फिर आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई दे देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसका सिलेबस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको इसका सिलेबस भी प्रोवाइड कर देंगे और लास्ट ईयर्स के आपको तो आप पेपर्स भी प्रोवाइड कर देंगे। साथ ही आपको मॉडल टेस्ट पेपर भी मैं आपको दूंगा, किस तरीके से आपको अपने एग्जाम को क्रैक करना है। तो सारा कुछ मैं आज आपको बता दूंगा, ठीक है, सारा कुछ मैं आप अपडेट भी देता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जितना भी अपडेट आएगा वो सब आपको मिलता रहेगा। तो अगर आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जा करके इस फॉर्म को भर सकते हैं। उससे पहले ये पूरा PDF आप अपने चेक कर लीजिएगा, सारे डाउट्स को क्लियर कर लीजिएगा। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर मिलूँगा एक नई वैकेंसी के साथ। तो अभी के लिए गुड बाय, जय हिंद।